If rupees 150 gets deducted for every single holiday, then how much money will he earn at the end of the year? So यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कंपनी है जो की एक अपने सात 7000 रुपए पर महीने के हिसाब से पे करती है right? तो पूरे साल में वो टोटल 20 दिन एबसेंट रहता है और हर दिन उसके डेढ़ सौ रुपए करते हैं ठीक है तो पूछा जा रहा है कि वो एट द एंड ऑफ द मंथ आई एम सॉरी एट ईयर वो कितने पैसे जो है वो अर्न करेगा ठीक है और हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं रुपीज सेवेंटी टू थाउजेंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड एटी वन थाउजेंड और सिक्सटी नाइन थाउजेंड राइट सो सबसे पहले तो सात हजार रुपए उसको पर महीने मिल रहा है यानी कि पूरे साल में उसको कितना मिलेगा राइट सो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ट्वेल्व uh, इंटू सेवन थाउजेंड राइट बिना किसी डिडक्शन के अगर ऐसा हुआ तो, तो टोटल कितना मिलेगा एरी फोर थाउजेंड मिलेगा राइट right? रुपीज एरी फोर थाउजेंड टोटल अमाउंट हो गया ठीक है अब कह रहे हैं कि उसका डिडक्शन होता है डेढ़ सौ रुपए का बीस दिन के एबसेंट होने से वो हर दिन डेढ़ सौ रुपए कटेगा राइट सो टोटल अमाउंट दैट इज टू बी डिडक्टेड सो टोटल अमाउंट डिडक्टेड कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वन फिफ्टी इन टू ट्वेंटी राइट इतने पैसे होंगे यानी यह टोटल कितना हो जाएगा तीन हजार रुपए राइट सो अब उसको कितना मिलेगा राइट अमाउंट दैट ही विल अर्न अमाउंट दैट ही विल अर्न कितना मिलेगा एटी फोर थाउजेंड माइनस ऑफ थ्री थाउजेंड विच इज टोटल राइट यानी जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा और रेस्ट सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से, से लेकर नीट आई आई टी और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करिए डाउट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ पर